कल भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ होने वाली है। आंदोलन जीवी है कहा जा रहा है ना कि वही लोग आप लोग हमेशा काम ही आंदोलन करने, लेकिन बैरिकेड अगर लगे होंगे तो हटाकर तो आएंगे ना। मुखिया होने पर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म नहीं आती आपको जब आप कहते हैं कि विनेश मेरे परिवार की बेटी है। यहाँ पर जो है बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और उनका कर्नाटक में प्रचार हो रहा है, तो जिसके माथे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, तो आज उन बाबा का बुलडोजर कहाँ गया। ये खाप पंचायत जो हमारे हरियाणा से लेके सब पूरे, एक तो हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है गाजीपुर बॉर्डर पर, जिस तरीके किसान आंदोलन चला वहाँ पर जो लोग थे वही आज यहाँ पर दिख रहे हैं और एक माहौल बन रहा है यहाँ पर, किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, खाप भी आ रहे हैं लगातार। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारी भीड़ होने वाली है कल। फिलहाल इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि पहलवानों का जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें ये जो मैटर है ये कितना संवेदनशील है, जिस पर प्रधानमंत्री अभी भी चुप हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं क्या कहूँ, तो सरकार ही कहेगी क्या करना उनके, अगर बात को ख़त्म करना तो वही करेंगे, नहीं करना तो चल ही रहा है। वो किसान आंदोलन में ऐसे बोलते थे कि पत्थर की लकीर हो गया, मानने वाले नहीं है, मतलब बातचीत होती थी ना विज्ञान भवन में, आपने सुना होगा 13-14 बार मीटिंग हुई थी, बाद में बोला भाग जाओ कुछ नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, फिर सब कुछ हुआ। लेकिन आप लोग जो है आंदोलन जीवी है कहा जा रहा है ना कि वही लोग आप लोग हमेशा काम ही आंदोलन करने का, तो फिर आंदोलन कोई बेमतलब में थोड़ा ना कर रहे हैं, और आंदोलन करने संविधान में लिखा हुआ है तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मतलब राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब अधिकार है ना, मैंने संविधान में लिखा हुआ है ये, तो संविधान का उसको, हालांकि संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, समानता अधिकार है वो भी नहीं कहा, हमें तो संविधान ने अधिकार दिया इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुली कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसमें कौन सी लॉजिक की बात होगी। तो क्या ये जो मैटर है ये एक ब्रिजभूषण के खिलाफ है या फिर इसको और किस रूप में देखते हैं? मैटर तो उस, अब रेपिस्ट वो है, हैरेसमेंट उसने किया तो उसी के सबसे पहले तो वो है, और बाकी क्या होता है कि एक आंदोलन होता ना है वो एक मैसेज देता है, किसान आंदोलन एक मैसेज दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा ही है हमारे देश में, आपको पता है मी टू मूवमेंट चला था मतलब 2-3 साल पहले, वो पूरे वर्ल्ड में चला था, तो ऐसा होता है, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, घर जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, या आज भी रात की तो बात ही छोड़ दो, दिन में कहीं पेपर देने जाती है घर वाला साथ में जाता है, कहीं भी की बात करो, कहीं किसी भी तरीके से, कहीं देश के कहीं कोने में भी हो, दिल्ली की बात है ये, तो ये मुद्दा है एक सबसे बड़ा, ये मुद्दा होना चाहिए, तो मुद्दों की बात ही देश में होती है तो इसलिए बैठे हैं भाई। किसान आंदोलन में आपने देखा था कि वहाँ पर भारी भीड़ भी थी, तमाम चीज़ें थी, बैरिकेटिंग थी, आप लोगों ने सब कुछ तोड़ के वहाँ पे बैठ गए थे, बॉर्डर था, लेकिन यहाँ ये जंतर मंतर है, क्या लगता है इस तरीके से किस तरीके से माहौल कल होने वाला है? देखिए आपने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले जब यहाँ पर लाठियाँ चली, बैरिकेटिंग की गई, रोका गया, आपके ही साथी पत्रकार साक्षी उनको जो है मतलब रोका गया, कपड़े किस तरह से उनके फाड़े गए, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर लोग नहीं रुके, तो लाठी डंडों से डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये देश की बेटियाँ जो मेडल लेकर आई हैं, जो देश का मान बढ़ाने का काम किया है, उन बेटियों को जो है शिकार बनाया है, तो उन बेटियों के इंसाफ के लिए यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर भी लोग आएंगे, बैरिकेड से रुकने वाले नहीं है, इंसाफ दिलाकर ही जाएंगे। देखिए कल जो है हमारी खाप पंचायतें जो हैं उनके जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं बहुत ही जो है एहतियात बरतेंगे, हम ऐसा कोई मतलब काम नहीं करेंगे जिससे किसी को दिक्कत हो, दिल्ली पुलिस को भी दिक्कत हो, और आप कह रहे हैं बैरिकेड तोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं, बैरिकेड तोड़ के क्यों, यहाँ तक अगर नहीं आने दिया जाएगा तो कोई ये थोड़ी है कि उनसे लड़के आएंगे, लेकिन बैरिकेड अगर लगे होंगे तो हटाकर तो आएंगे ना, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर रस्सी बांध दी तो वहाँ से कोई, भाई यहाँ पर आतंकवादी थोड़ी हैं, यहाँ पर ये बेटियाँ बैठी हैं, तो ये देश की बेटियाँ हैं जिन्होंने कि कल भारत का तिरंगा जो है विदेशों में फहराया था, और आज उनसे मिलने के लिए अगर आप बैरिकेड लगाओगे तो बेटियों से मिलने नहीं आएंगे क्या लोग? मिलने के लिए अकेले भी आ सकते हैं क्या, हुजूम लेने की आने क्या जरूरत? सर हुजूम आने के बाद तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जो प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय आप ये बताइए, ये सवाल है मेरा मोदी जी से कि जो कल आप कहते थे कि विनेश मेरे परिवार की बेटी है, मोदी जी मैं, मोदी जी ने यह भी कहा है कि मैं आपको निराश नहीं देख सकता, उदास नहीं देख सकता, और मेरे मतलब आप जो अपने परिवार को लेकर मेरे घर आइए,
मोदी जी आपके घर से 500 मीटर की दूरी पर महज ये 13 दिन से 14 दिन से बैठी हैं और यहाँ पर रोने के लिए मजबूर है, यहाँ पर रो रही हैं। आज आपके परिवार की बेटी अगर इंसाफ के लिए तड़प रही है तो आप अगर देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, अगर आप मुखिया हैं देश के, तो ऐसे मुखिया होने पर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शर्म नहीं आती आपको जब आप कहते हैं कि विनेश मेरे परिवार की बेटी है? तो आज आप कहाँ गए? आज आपका परिवार कहाँ गया? आज आपके परिवार की बेटी नहीं है ये, यहाँ पर रो रही हैं। आपने देखा किस तरह से बदसलूकी की गई इनके साथ में और किस तरह से जो है मीडिया के सामने उनको रोना पड़ा, यानी कि वो रोने के लिए मजबूर किया गया उनको। आप ये देखिए, देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और उनका कर्नाटक में प्रचार हो रहा है, तो वो प्रचार में बिजी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को ये कब दिख रहा है? आप ये देखिए, यहाँ पर जो है देश के कोने कोने से लोग आ गए, हम आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन जो परिवार बताते हैं, अपने परिवार की बेटी बताते हैं, उनके कानों तक आवाज़ नहीं गई। मात्र 500 मीटर की दूरी पर राजमहल में बैठे हैं और वहाँ से कर्नाटक तक जा रहे हैं प्रचार के लिए, यहाँ पर बेटियों का अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा उनको। कब जो है आखिरकार देखिए, उनका जुमले जो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कर्नाटक के अंदर भी माताओं बहनों किसान भाइयों, तो यहाँ पर किसान भी हैं, माता बहनें भी हैं और बेटियाँ भी हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री फिर इस वजह से झूठे साबित होते हैं, झूठे। और जो देश की जो देश का सर्व मतलब प्रथम जो हम कहते हैं कि देश का एक तो राष्ट्रपति होता है प्रथम, और फिर सेकंड जो आता है प्रधानमंत्री पद, जो उन पदों की गरिमा है, उस पद की गरिमा भी आप जो है भूल गए हैं और कम कर दिए। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो है मैं जानना चाहता हूं कि कब यहां पर आकर 5 मिनट के लिए उनसे बात करेंगे, कब उनको इंसाफ की जो है मतलब इंसाफ का जो है भरोसा दिलाएंगे, या इंसाफ के लिए आप उसको जो है जेल में डलवाएंगे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आपके परिवार की बेटी विनेश है या फिर जो है आपके परिवार का बेटा जो है वो नालायक है, जिस पर कि ये आरोप है। 41 केसेस जो यहाँ पर लगे हैं, आपने देखा होगा लिस्ट, और यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल की भी लिस्ट लगी हुई है, जो उन्होंने देश का मान बढ़ाया। मैं एक ही शेर देखिए, जिसके माथे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। ऐसे लोगों को आप संसद में बिठा रहे हैं जिनको जेलों में होना चाहिए, तो ये कहाँ तक? आप उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से आते हैं वो, और शायद कासगंज से वो सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडा राज ख़त्म हो गया या बुलडोज़र, तो आज उन बाबा का बुलडोज़र कहाँ गया? आज ऐसे गुंडों पर कब कार्रवाई कराएंगे? वो तो कहते हैं हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसे भी माफिया हैं जो वो कह रहे हैं चैनल पर बैठ के, आपने देखा होगा कि इंडिया टीवी पे जो है वो चैनल पे से भाग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे पत्रकारों को अंदर मत आने देना, ठीक है। इस तरह की अगर बाहुबली छवि लेकर अगर वो हैं माफिया हैं, आपके यहाँ पर केस लगे हैं और ये बेटियाँ जो बैठी हैं, तो मुख्यमंत्री जी खुद आके पूछें, अगर उनका कोई मतलब यहाँ पर जब जो बेटियों से पूछताछ करेंगे और उनकी कोई गलती नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अगर है तो फिर आप उनको कब मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, कब उनके घर पे बुलडोज़र चलवाने का काम करेंगे? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी सवाल है और देश के प्रधानमंत्री से सवाल इसलिए है कि उन्होंने कल ही बजरंग पूनिया कहकर जी बजरंग जी वो बजरंगी कहकर, और आपके पैर में चोट लगी फिर भी आप खेले आपके हौसलों को, तो आज उनके अगर सर में चोट लगी है, अगर आज उनके बराबर में खड़े हुआ हुआ हमारा जो किसान भाई है राहुल, उसका सर फूटा है, तो वो कब आके पूछेंगे कि बजरंग जी या बजरंगी आपकी वजह से यहाँ पर बैठने वाले ये लोग जो हैं और आपकी जो है मतलब खिलाड़ी जो हैं बैठे हैं, सरों में चोटें आई हैं, मुझे जो है मतलब इस चीज़ का अफसोस है। कब उनको दिलासा दिलाएंगे, कब उनको भरोसा दिलाएंगे कि आपके साथ इंसाफ होगा और उसको जेल में डलवाएंगे, उससे इस्तीफा दिलवाएंगे? ऐसा कर सकते हैं? आप बताइए कल की क्या तैयारी? तैयारी यही है, देखिए खाप पंचायत जो हमारी हरियाणा से लेके सब पूरे, एक तो हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी भी बैठक, ये सारे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं कल आएंगे, और कल मैंने चौधरी जी का नरेश चौधरी जी का जो है मतलब जो बैठ के मीटिंग हो रही थी यहाँ पे आने के लिए, वो एक बयान भी सुनाए, उन्होंने कहा है ये हमारे देखिए बेटियों के सम्मान की लड़ाई है,
हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और इसमें हम खुलकर साथ देंगे। और वो कल जब आएंगे तो कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लिया जाएगा और वो आपके माध्यम से भी प्रधानमंत्री तक भी, सरकार तक भी पहुंचाया जाएगा। और कल हमारे जो जितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, खाप पंचायतों के, किसान संगठनों के, राकेश डिकैत जी भी आएंगे और सारे चढ़ूनी है और सारे लोग जो है वो आएंगे, खाप पंचायतों से प्रधान भी आएंगे खाप पंचायतों के, और वो जो निर्णय लेंगे, कल भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ होने वाली है और जो कल निर्णय लिया जाएगा उस रणनीति को लेकर आगे जो है आंदोलन किया जाएगा। अगर सरकार ये समझती है कि यहाँ पर जो है बैठकर ये चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन भी 13 महीने बैठे थे, विल लेकर वापस गए थे, लेकिन एक वादा जो करते हैं, जैसे इनसे भी 3 महीने पहले वादा किया गया था कि आप पर आपके जो है केस में सुनवाई की जाएगी और आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, ऐसे ही MSP की गारंटी देने का वादा किया था, ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से बिना इंसाफ दिलाए किसान और नौजवान जाने वाला नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।